फ्रेंड्स, ट्रेडिंग जर्नल इज एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको आपकी हिस्ट्री बताता है, और इसी को समझने के लिए आप एक बहुत सही वीडियो में हैं, जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि आप अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री को किस तरह मेंटेन रखें, और उस हिस्ट्री को मेंटेन रखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने पास्ट में जो ट्रेड्स लिए हैं, उन ट्रेड्स में आने वाले समय में अगर आपका परफॉर्मेंस बिगड़ता है, तो उन पास्ट ट्रेड्स की हिस्ट्री को चेक करके, उसकी एनालिसिस को चेक करके आप खुद की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो ट्रेडिंग जर्नल कई ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उतना फोकस नहीं रखते हैं, बट ट्रेडिंग जर्नल बीइंग अ ट्रेडर, मैं हमेशा अपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन रखता हूं, और ट्रेडिंग जर्नल मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो कि मुझे ये बताने में हेल्प करता है कि कभी अगर मैं किसी ट्रेड में उलझ रहा हूं, या किसी मार्केट सिचुएशन में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, या किसी भी रीज़न से मैं खुद उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अपनी हिस्ट्री जाकर चेक करता हूं कि क्या वो चीज़ें मैंने की थी जब मैंने सक्सेसफुल ट्रेडिंग किया और मेरी ट्रेडिंग्स में मुझे रिटर्न्स मिले। सो आइए हम जानते हैं ट्रेडिंग जर्नल क्या है, उसे हम कैसे बना सकते हैं, और एट दी एंड जो ट्रेडिंग जर्नल मेरे पास है, मैंने उसका लिंक भी इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो प्लीज़ चेक दैट ट्रेडिंग जर्नल लिंक, और उसी पर्टिकुलर जर्नल को आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने एक स्क्रीन रखा हुआ है। इस स्क्रीन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ऐसे 18 कॉलम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और इन 18 कॉलम्स में मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि आप अपनी ट्रेडिंग को, मतलब जो ट्रेड आपने लिया है, उस ट्रेड को आप किस तरह से होल्ड करें, मेंटेन करेंगे डेटा में। सो सबसे पहला कॉलम है कॉलम नंबर 1, जिसमें मैं सीरियल रखा हूँ। इट्स ओके, इट इज़ फाइन टू हैव दैट सीरियल नंबर। एंड देन दी सेकेंड कॉलम है यहाँ पर डेट, कि किस डेट को मैंने वो ट्रेड लिया है, वो डेट के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। जैसे आज का डेट है 20th of March 2023, तो मैंने ये डेट यहाँ पर ले लिया है। अगला जो है, मुझे डे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज डेट इज़ ओके, लेकिन डे जो है मुझे डिफाइन करेगा कि इन फ्यूचर मैं देखूंगा कि मंडे को मुझे ज़्यादा प्रॉफिट्स होता है, या ट्यूजडे को मुझे ज़्यादा प्रॉफिट्स होता है, या फिर कोई फ्राइडे ऐसा तो नहीं मुझे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। सो इस डे के लिए, इस पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए, और इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे पास ये सारे डेज हैं, और इन डेज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड जो मैंने लिया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस वीडियो के एंड में आप अपना खुद का हिस्ट्री क्रिएट करना सीख जाओगे फॉर द स्टॉक मार्केट। सो अगेन लेट्स फोकस ऑन द स्लाइड। सो यहाँ अगर हम देखें तो सिंबल, अगर मैंने कोई ट्रेड लिया है, तो ट्रेड मैंने मान लीजिए ONGC का हमने ट्रेड लिया, तो ONGC मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब ONGC में मैं 5th कॉलम पे देखिए, ONGC में मैंने किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड लिया है, क्या कॉल ऑप्शन में लिया है, पुट ऑप्शन में लिया है, या इक्विटी में लिया है, या फ्यूचर्स। सो आई से मैंने इक्विटी, मतलब कैश में ONGC के शेयर्स परचेज किए हैं। अच्छा, क्या पर्टिकुलर पोजीशन था, मैंने बाय किया है या शॉर्ट किया है। शॉर्ट मतलब इंट्राडे में, अगर आपने शॉर्ट सेल किया है तो आप इंट्राडे में ही क्लोज करना होता है। लॉन्ग मतलब बाय किया है आपने, तो आप इंट्राडे के साथ साथ ओवरनाइट भी लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। सो वो पोजीशन मेरा क्या है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, यहाँ पर मैं मेंटेन करूंगा। उसके बाद मेरा एंट्री प्राइस, से ONGC का जो एंट्री प्राइस है वो 150 रुपीज चल रहा है। सो मैंने यहाँ पर ONGC का एंट्री प्राइस डाल दिया। एट दी एंड मैं किस प्राइस पे एग्जिट किया हूँ, वो एग्जिट प्राइस भी मैं यहां डाल देता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे एग्जिट किया फॉर द इंट्राडे। मान लीजिए मेरा ट्रेड ओवरनाइट होल्ड होता है, तो कॉलम नंबर 9 आप देख सकते हैं, कॉलम नंबर 9 में यहां पर ऑप्शन से इंट्राडे, BTST के बाद लेस देन 3 डेज, 3 to 5 days, 5 to 10 days एंड मोर देन 10 days, ये मेरे क्राइटेरियाज है कि मैंने अपने शेयर या ट्रेड को कितने दिन तक होल्ड किया है। तो यहाँ पर मैंने इंट्राडे सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ONGC का जो ट्रेड है मेरा, वो इंट्राडे है। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने क्या स्टॉप लॉस रखा था ट्रेड लेते समय, से 150 पे मैंने बाय किया, तो 150 के बाद मेरा जो स्टॉप लॉस प्राइस है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने 145 का स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पर, और इस स्टॉप लॉस के साथ मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था 156। सो दिस इज वे मैंने एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया है अपने लिए, जो कि मेरे को हिस्ट्री बताता है मैंने कौन सा ट्रेड लिया है, क्यों लिया है, किस तरह लिया है, वो मैं आगे समझूंगा, लेकिन क्या लिया है और किस डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, वो मैं यहाँ पे मेंटेन कर चुका हूँ, और यही डिटेल आपको हर स्टॉक के लिए मेंटेन रखना है। और एट दी एंड उस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट क्या हुआ है, इस प्रॉफिट के बारे में आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, आपको केवल प्रोसेस पे फोकस रखना है, लॉस पे फोकस नहीं रखना है, आपकी प्रोसेस सही होना जरूरी है। सो से सपोज मेरा इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट हुआ है 2000 रुपीज का,
एट दी एंड इस पर्टिकुलर प्रॉफिट्स में क्या ये पर्टिकुलरली प्रॉफिट है या लॉस है, तो इस तरह मैं यहाँ पर देखेगा 13 नंबर कॉलम में आप देख सकते हैं, 13 नंबर कॉलम में ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, प्रॉफिट लॉस एंड एग्जिट। सो कॉस्ट एग्जिट मतलब प्रॉफिट्स है तो मैं प्रॉफिट सिलेक्ट कर देता हूँ, तो कि इन फ्यूचर जब मैं इस शीट को ट्रैक करूंगा या एनालाइज करूंगा तो मैं प्रॉफिट सिलेक्ट करूंगा तो सारे प्रॉफिट्स वाले ट्रेड्स मेरे सामने आ जाएंगे। अब कॉलम नंबर 14 पे चलें तो कॉलम नंबर 14 बता रहा है कि एडवर्स सिचुएशन में मेरा ट्रेड्स कितना अगेंस्ट गया और फेवरेबल सिचुएशन में मेरा ट्रेड्स कितना फेवर में गया। एडवर्स सिचुएशन का मतलब ये कि मान लीजिए मैंने कोई ट्रेड 150 पे लिया है और वो ट्रेड मैंने होल्ड करते हुए स्टॉक नीचे आने लगा तो 150 से 145 आया या 146 आया, कितना परसेंट डाउन आया, ये है एडवर्स सिचुएशन। सो उसके अगेंस्ट मेरे फेवर में कितना गया कि मैंने 150 से ट्रेड लेने के बाद वो ट्रेड कितना 160 165 कितना गया है, तो ये परसेंटेज का वैल्यू है मेरा फेवरेबल सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में मैंने इस ट्रेड को मेंटेन रखना है, इस डेटा को मेंटेन रखना है ताकि हिस्ट्री मुझे आगे फ्यूचर में हेल्प कर सके। सो आगे अगर हम 16 कॉलम की बात करें तो 16 कॉलम में मैंने रैशनल्स रखे हैं फ्रेंड्स। रैशनल का मतलब क्या वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड लिया है। सो ट्रेड लेने का रीजन, तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं 16 नंबर कॉलम में यहां पर सेपा इज एक स्ट्रैटेजी जिसे मैं यूज करता हूं, क्लासिकल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट। वहीं अगर हम ईएमए की बात करें तो 15 ईएमए और 30 ईएमए का क्रॉसओवर। वहीं न्यूज पे कोई मैंने ट्रेड लिया है या स्टेज एनालिसिस का बेस 1 पे मैंने ट्रेड लिया है, बेस 2 पे ट्रेड लिया है या बेस 3 पे ट्रेड लिया है, ये डिटेल मैं यहां मेंटेन रखूंगा ताकि मेरा जो स्टॉक्स है, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है और जो भी ट्रेड्स मैंने लिए हैं वो फिल्टर हो जाए एज पर माई स्ट्रैटेजी। वहीं अगर हम बात करें 17 नंबर कॉलम की और 18 नंबर कॉलम की, तो जिस समय मैंने ट्रेड लिया उस समय मार्केट का ट्रेंड क्या था, निफ्टी का ट्रेंड क्या था, कि मैंने बाय लिया तो निफ्टी का ट्रेंड बाय था, मैंने सेल लिया तो क्या निफ्टी का ट्रेंड सेल था। इस तरह से ये ट्रेडिंग जर्नल में एक और डेटा मेरे साथ में आ जाता है, मुझे लगता है कि ओएनजीसी जो मैं ट्रेड ले रहा हूं उस समय मेरा मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, सो मैं यहां बुलिश मेंटेन कर देता हूं। अब एट दी एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस में जो भी आपने ट्रेड लिया है उस ट्रेड में आपने अपनी साइकोलॉजी को किस तरह मेंटेन रखा है, आप कितना रैशनली बिहेव किए, कितना इमोशनली बिहेव के लिए किए हैं, और उसके लिए आपको अपने लिए नंबर देना होगा, से 1, 2, 3, 4, 5 मतलब आप परफेक्टली रैशनली बिहेव किए हैं, 1 मतलब आप इरैशनली बिहेव किए, इमोशनली ज्यादा अफेक्ट हो गए हैं। सो शीट में अगर आप देखें तो 18 नंबर का जो कॉलम है उस कॉलम में आपको अपने को रैंकिंग देना है, दिस इज 5, 4, 3, 1, 2 व्हाटएवर रैंकिंग आप देखेंगे तो इस तरह आपके पास ये पूरा शीट मेंटेन हो जाएगा। और इस शीट्स को आप मेंटेन रखें, अपने हर ट्रेड को इसमें इन्वॉल्व रखें, एट द एंड आपको इन डेटास के हिसाब से पता चलेगा कि किस तरह आपकी परफॉर्मेंस जा रहा है। इन फ्यूचर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस भी कर सकेंगे और साथ ही अगर मान लीजिए फ्यूचर में आपका परफॉर्मेंस बिगड़ता है तो आप ये चेक कर पाएंगे कि पास्ट में मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मुझे इस पर्टिकुलरली मार्केट में प्रॉफिट हुआ था, तो उसी सिचुएशन को या उसी मेथड्स को मैं फिर से रिपीट करूंगा इन फ्यूचर फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ माई सेल्फ। सो दिस वे दिस इज द ट्रेडिंग जर्नल जो कि मैं मेंटेन करता हूं खुद के लिए, और इस पूरी ट्रेडिंग जर्नल का जो फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड प्लीज स्किम दिस पर्टिकुलर फाइल ऑन अ डेली बेसिस सो दैट यू कैन हैव अ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर हिस्ट्री एंड एट द एंड ओवर द लॉन्ग पीरियड आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं ताकि वो भी अपना ट्रेडिंग जर्नल बना सके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल जो कि आपको मेंटेन रखना चाहिए, ट्रेडिंग में इतना इंपॉर्टेंस इसे दिया नहीं जाता है बट देना बहुत जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज को देखने के लिए जुड़े रहिए मार्केट सारथी के साथ। थैंक यू वेरी मच।